एक शहर में दो दुश्मन रहते थे जो बहुत आपसी में झगड़ा करते रहते थे। चिंटू अपनी गाड़ी को लेकर रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी बंटू के घर से, और बंटू वहीं पर खड़ा हुआ था तो उसे टकरा जाती है। बंटू थोड़ा सा उसको देखता रहता है थोड़ी देर के लिए, मगर बंटू को गुस्सा आ जाता है, बोलता है साले बाहर निकल, तू मेरे घर पे और मेरे ऊपर गाड़ी चलाएगा, मैं तुझे अभी देखता हूँ, बाहर निकल, गाड़ी में गुस्सा पड़ा है, तुझे अभी देखता हूँ मैं। तभी चिंटू को भी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गाड़ी से निकलता है, निकलने के लिए तैयार हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और पीछे आते हुए बोलता है कोरस साला बता रहे मुझसे टक्कर लेने वाला कोई है नहीं, फिर भी आज बता रहे किसका मुंह चल रहा है, तो आज इसको देखता ही हूँ मैं, आज इसी को देखता हूँ इसका। हाँ अजय साले, आज तुझी को मैं देखूँगा, बहुत दिनों से मैं तेरी ही राह देख रहा हूँ कि कब तू बोले। हाँ मैं तेरी भी खबर लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं तेरे के लिए चल मैं आ रहा हूँ उधर से, यहाँ से तो नहीं निकल पाऊँगा, चलो मैं पीछे के रास्ते से आता हूँ। चिंटू पीछे के रास्ते से आता है घूम घाम के, फिर उसी के पास पहुंचता है। चलो क्या बोल रहा था तू? हाँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ साले, ऐसा भूसा भर दूंगा तुम में, समझता नहीं है मैं कौन। दोनों भिड़ जाते हैं और आपसे में लड़ाई लड़ते हैं, फिर दोनों भिड़ के तो थोड़ा पीछे हट जाता है। बंटू कहता है कि साले पीछे हट, मेरे घर पे आके तू ही मुझे धमका रहा है। बंटू थोड़ा कमजोर था इसलिए वो पीछे चला जाता है, फिर दोबारा से फिर धमकाने लगता है उसको कि जाता है कि नहीं जाता। देखने के लिए ऐसी गाड़ियां मेरे पास भी बहुत काफी है, देख उधर मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई है, मैं उस पर जाके बैठता हूँ, फिर मैं तेरे घर में जाके लगाऊंगा टक्का। फिर वो टक्टक पे बैठ जाता है, कोशिश करता है और बदब से ना बैठ जाता है। अगर मैं चाहूँ ना, बंटू बोलता है मैं तेरे घर पे अपना ट्रैक्टर चला दूंगा, वो भी फूट जाएगा जिस तरह ने तू मेरे घर में टक्कर मारी है। फिर कहकर थोड़ा शांत हो जाता है। चिंटू कहता है मैंने जानबूझ कर नहीं किया है, फिर भी तू जो करना चाहे कर सकता है। फिर अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है। फिर थोड़ी देर देखता रहता है अपनी गाड़ी की तरफ और बोलता है जो करना है कर लेना, जो हो गया सो हो गया। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ा पीछा लेके जाता है अपनी गाड़ी को। बंटू बोलता है अब क्यों पीछे ले रहा है,
जो तेरी टक्कर में मेरा डॉक्टर आ रहा है, इसलिए तू पीछे डरा है। चंटो अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे ले लेता है। थोड़ा आगे बढ़ाता है। एक बार और टक्कर देता है घर में, फिर बाद में बोलता है जब मैं तुझे देखता हूँ क्या कर लेगा मेरा। ऐसा सब तो लड़ेगा और मैं चुप रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो बंटू के पास जाता है और उसके ट्रैक्टर के पास पहुंचता है। बंटू उसके ट्रैक्टर में बैठने की कोशिश करता है और बैठ जाता है। तो बंटू बोलता है मेरे ट्रैक्टर से निकल हरामजादे, इस तरीके से तू अगर नहीं निकला तो थोड़ी देर में मैं बहुत मारूंगा तुझे। फिर चिंटू बाहर निकल जाता है। क्या मेरे हाथ थोड़े टूट गए, मैं भी तुझे बहुत मारूंगा। कहते हुए दोनों में थोड़ा झगड़ा होने लगता है। तो पंटू बोलता है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे मकान के लिए, अब तू जैसा चाहे वैसा चला जा। अब मैं चिंटू बोलता ठीक है। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।